पहले पति मर जाता था तो उनको सती के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। और यदि बाबा साहब के विचार नहीं रहे, बाबा साहब के जो संविधान में जो अधिकार हैं वो नहीं रहे, तो उनको भी पता चल जाएगा जब वो जिंदी चलेंगे चिता के साथ। और उन्हें आज नहीं तो कल जागना होगा। हम तो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, उन्हें अभी जागना चाहिए। और जब जागेंगे तो तब बहुत देर से भूल गए। उन्हें बाबा साहब सिर्फ कुर्सी के लिए याद आते हैं, कुर्सी मिली और बाबा साहब को वो भूल जाते हैं। क्या सारे पार्टी जितनी भी वहाँ पार्टी गई हैं, पार्टी के जितने भी रिजर्व कैंडिडेट जीत के गए हैं वो बाबा साहब के संविधान से जीत के गए हैं। अगर बाबा साहब संविधान में रिजर्व कैटेगरी के लिए उसमें अधिकार ना देते तो वो कैसे जीत के चले जाते, कैसे इलेक्शन लड़ लेते? वो भूल जाते हैं कुर्सी पर बैठ करके। और उन लोगों को हम इस समाज से बर्खास्त करते हैं, उन्हें हम आगे आने वाले टाइम में वोट के माध्यम से कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लोकतंत्र की खूबसूरती जब तक जनता की आवाज जनता के कानों में, नेता के कानों में ना पहुंचे तो उस लोकतंत्र की खूबसूरती में कहीं ना कहीं एक दाग लग जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर बहुजन समाज के लोग भारी संख्या में उमड़े हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से पिछले दिनों आप सबने देखा कि पुरानी संसद भवन से बाबा साहब की जो मूर्ति थी वो हटा दी गई थी, उसी के साथ साथ में छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी, इन चार महान पुरुषों की मूर्ति वहां से हटा दी गई। और उसी विषय पर आज बहुजन समाज के लोग मंत्र पर जुटे हैं। तमाम लोग अपने अपने संगठनों का बैनर लेकर आए, महिलाएं भी सक्रिय रूप से इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रही। जिस तरह से आप देख सकते हैं, माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ पूरी महिला टीम है और ये महिला हर आंदोलन में नजर आती है। तो इन्हीं महिलाओं से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि आज जंतर मंतर पर किस लिए है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना सिंह है, माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली क्षेत्र दिल्ली। मीना जी, आज जंतर मंतर पर आने का क्या उद्देश्य आप लोगों का? हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे महापुरुष महामानव बहुजन समाज के मुक्तिदाता, महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा संसद के प्रांगण में लगी हुई थी उसको उन्होंने वहां से हटा के दूसरी जगह लगाने का काम किया, वो हमें मंजूर नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, किस तरह से आपकी डिमांड है कि दोबारा से वो मूर्ति वहीं पर स्थापित हो जाए? हमारी डिमांड यही कि दोबारा से उस मूर्ति को वहीं लगाया जाए पार्लियामेंट के फ्रंट में जैसे पहले लगी हुई थी, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सुंदर लगती थी और उससे पूरे देश में एक अलग मैसेज जाता था कि भाई वहाँ पर 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन पर मेला लगता है और पूरे भारत देश से यहाँ तक कि इंटरनेशनल उससे भी वहाँ लोग आते थे 14 अप्रैल पर। तो वहाँ से उन्हें क्या दिक्कत हुई कि उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया? लेकिन वो कह रहे हैं कि जो नई संसद भवन बनी है उसमें पार्किंग की जगह नहीं थी और उसी पार्किंग की जगह के लिए वहाँ पर जो चार महान पुरुष हैं उनकी मूर्ति हटाई गई हैं। क्या उस चार महापुरुषों ने कितनी जगह घेर रखी थी पार्किंग के लिए जो वो पार्किंग वहाँ बनाई जाएगी? इतनी बड़ी पार्लियामेंट बनी है, क्या पार्किंग के लिए वहाँ पर जगह नहीं थी? ये सिर्फ इनकी साजिश है, बहकाने की बात है। इन्हें वहाँ से मूर्ति हटानी थी क्योंकि वहाँ जो 14 अप्रैल का मेला लगता है ये चाह रहे हैं कि वो मेला वहाँ पर ना लगे। बाबा साहब आपके लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण है कि उनके लिए आप आंदोलन करें कि उनकी मूर्ति जैसे थी वैसे ही वहाँ पर स्थापित की जाए दोबारा से? आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, कपड़े, खाना, पानी, शिक्षा, हमारे घरों का जितना साजो सामान, रहने के लिए आसान आलीशान बिल्डिंग, गाड़ी, ये सब हमारे परम पूज्य बाबा साहब की देन है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। और मेन जो महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा में बराबरी का अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर उन्हें नौकरियों में अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार दिया, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बाबा साहब इसलिए हमारे लिए जरूरी हैं। मीना जी, कल जिस तरह से संसद भवन का एक सीन देखा गया, तमाम नेता वहाँ पर संविधान लेकर पहुँचे, जय भीम के नारे से उद्घोष किया, लेकिन आज वही जय भीम के नारे से आए उनके संविधान से नेता बनने वाले लोग, आज वो कहाँ हैं कि आज उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं? वो कुर्सी के चक्कर में सब भूल गए। उन्हें बाबा साहब सिर्फ कुर्सी के लिए याद आते हैं, कुर्सी मिली और बाबा साहब को वो भूल जाते हैं। क्या सारे पार्टी जितनी भी वहाँ पार्टी गई हैं, पार्टी के जितने भी रिजर्व कैंडिडेट जीत के गए हैं वो बाबा साहब के संविधान से जीत के गए हैं? अगर बाबा साहब संविधान में रिजर्व कैटेगरी के लिए उसमें अधिकार ना देते तो वो कैसे जीत के चले जाते, कैसे इलेक्शन लड़ लेते? वो भूल जाते हैं कुर्सी पर बैठ करके। और उन लोगों को हम
इस समाज से बर्खास्त करते हैं, उन्हें हम आगे आने वाले टाइम में वोट के माध्यम से कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं, हम बहुजन नेताओं की बात करें, क्योंकि जब बहुजन नेता इधर उधर तमाम पार्टियों में होते हैं और बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति या महिला पर एट्रोसिटी होती है, जब वो सत्ता में होते हैं उनके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकलता, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो बड़े बड़े आंदोलन कर लेते हैं, तो क्या लगता है ऐसे लोग स्वार्थी नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल स्वार्थी हैं। और देखिए, ऐसे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थवश थाली के बैंगन बने होते हैं, स्वार्थवश वो आज इस पार्टी में है तो कल दूसरी पार्टी में हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग बर्खास्त करना चाहिए और करेंगे भी। और रही बात बाबा साहब के वहाँ पर कि देखिए, आज हम पूरे महिलाओं के साथ साथ, बहुजनों के साथ साथ पूरे देश की महिलाएं, चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला है, हर महिला पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक बाबा साहब के कर्ज के नीचे दबी हुई है। लेकिन मैडम, जिस तरह से आप महिलाओं की बात करिए, पूरे भारत देश की महिलाओं को इंक्लूड करिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ बहुजन समाज की महिलाएं, और वो भी गिनी चुनी महिलाएं जो सक्रिय रूप से दिखाई देती है, तो क्या बात है कि आज भी डॉक्टर अंबेडकर को इस भारत देश की महिलाएं समझ नहीं पा रहे, तो कमियां कहां है? नहीं, कमियां जब नजर आएंगी, जब उनको जिंदा जला दिया जाएगा। यदि पति मर जा, पहले पति मर जाता था तो उनको सती के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था, और यदि बाबा साहब के विचार नहीं रहे, बाबा साहब के जो संविधान में जो अधिकार है वो नहीं रहे, तो उनको भी पता चल जाएगा जब वो जिंदी चलेंगे चिता के साथ, और उन्हें आज नहीं तो कल जागना होगा। हम तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, उन्हें अभी जागना चाहिए, और जब जागेंगे तो तब बहुत देर हो गई होगी, इसलिए अभी उनको जाग जाना चाहिए। हम सारे देश की महिलाओं को, हर जाति धर्म की महिलाओं को आह्वान करते हैं कि बाबा साहब के लिए यहाँ पर आकर के वो आवाज उठाएं। आप आह्वान तो कर रहे हैं, लेकिन आज तमाम सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से चर्चा चली हुई थी कि भाई 26 तारीख को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुजन समाज के तमाम लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से आने वाले, लेकिन आज भी लोगों ने इतनी जागरूकता, इतनी सक्रियता नहीं दिखाई है कि जंतर मंतर को पूरा एक तरह से फुल कर देते, तो कमियाँ कहाँ है, हम ये जानना चाह रहे हैं। कमियाँ ये है कि देखिए, अंधविश्वास पाखंडवाद में जो महिलाएं फंसी हुई हैं, उनको कितना भी समझा लो, लेकिन वो जो है मानने को तैयार नहीं होती हैं, और बाबा साहब ने हमें देना सिखाया है और वो मांगने पर उतारू रहती हैं, उनको पता ही नहीं है, समझ नहीं है, उनको मैसेज नहीं है इस बात का, और वो इर्द गिर्द ऐसे जगह रहती हैं कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के मांगना सिखाया जाता है, और बाबा साहब ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम चांद पर भी जा रहे हैं। जी, बाबा साहब के बारे में अक्सर हम एक बड़ी विवादित टिप्पणी सुनते हैं, लोग ये कहकर इनकार कर देते हैं बाबा साहब की विद्वता को कि वो तो दलितों के नेता थे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है बाबा साहब के लिए कहना, क्योंकि बाबा साहब दलितों के नहीं, पूरे भारतवर्ष के नेता थे, क्योंकि बाबा साहब ने जो कार्य किया हर समुदाय और जाति के लिए, क्या किसी एक विशेष धर्म के लिए या समुदाय के लिए बाबा साहब ने कार्य नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस समय IAS बन के, PCS बन के हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जो बाबा साहब की देन से, और जिन्हें ट्रेनिंग के समय ये सिखाया जाता था कि सारे जितने भी सामाजिक समाज सुधारक हुए, उन्होंने सबने मिलकर इतना काम नहीं किया जितना अकेले बाबा साहब ने किया, उसे सिर्फ अपनी राइटिंग में एग्जाम देने के लिए ना सीखे, और सीख के वहाँ बैठने की बजाय उनकी, हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ, हमारी जो बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो भी IAS PCS बन सके, और उनके लिए आज धरना प्रदर्शन पर आए और सभी का सहयोग करें। जी, आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ लगनी चाहिए थी वहीं पर लगे। जी देखिए, महिलाएं कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बाबा साहब की मूर्ति पूर्ण रूप से वहीं पर स्थापित नहीं हो पाती, तो अब इंतजार रहेगा कि कब बाबा साहब की मूर्ति लगती है और कब ये आंदोलन बहुजन समाज के लोग खत्म कर देंगे। भी है हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। हाथ में उनके में एक बैनर है जिसपे लिखा है राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना। तो सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है। हाँ चंदेल जी, एक बैनर है आपके हाथ में जिसपे राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना, ये सेना है क्या? ये राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना है, जो लोग हमारे भटक गए हैं, जो हमारे लोग बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे हैं, हमने राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना बनाई है, और राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के माध्यम से अपने लोगों को हम बाबा साहब अंबेडकर जी के मूवमेंट से जोड़ रहे हैं। जैसे आज हमें मालूम पड़ा कि पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई थी उसको वहाँ से हटा दिया गया है, तो आज अपने दलबल के साथ हम लोग पहुँचे हैं और हमने मांग की है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर वहीं पर स्थापित की जाए और गांधी जी की वहीं पर स्थापित की जाए। अगर यहाँ पर स्थापित नहीं करते हो तो जो पुराना नया पार्लियामेंट बना है उसमें मोदी जी वहाँ पर तस्वीर लगाएं बाबा साहब की। हमने इस विषय में राजेंद्र गौतम जी को ज्ञापन भी दिया प्रधानमंत्री के नाम, राजेंद्र गौतम जी के माध्यम से। जी सर, आपका नाम क्या है? मोनी चंदेलिया।
मोनी जिंदल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो वाल्मीकि समाज है बाबा साहब की जय जयकार करता है, उनको आदर्श भी मानता, सिद्धांत भी मानता, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उन विचारों में थोड़ा घालमेल भी है, तो किस तरह से शुद्ध रूप से बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम अपने समाज को और जितने दलित समाज है सबको जोड़ने के लिए ही हमने एक वाल्मीकि सेना बनाई है, वाल्मीकि समाज को आगे नई राह दिखाएं और बाबा साहब के जो मंत्र है हम उन पर चलें और एकता का अपना एकता बनाए। आज बाबा की जो मूर्ति मुझसे तोड़ी गई है, तो हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं, मोदी जी को, कि जैसे पहले से वहाँ पर बाबा की मूर्ति लगी हुई है वो वहाँ लगनी चाहिए, और ये अत्याचार जो देश में हो रहा ये नहीं होना चाहिए, दलितों की तरफ देखना चाहिए। हम भी देश के रक्षक हैं, हम देश की रक्षा करते हैं और हमारे साथ ही ये अत्याचार हो रहा है और हमारे बाबा के साथ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो देखिए, जिस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हैं, बैनर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति दोबारा से स्थापित नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे।